एवरीवन, तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए डॉक्टर रसेल ब्राइटनिंग और एंटी एजिंग क्रीम का रिव्यू लेकर आई हूँ। इस क्रीम के हम इफेक्ट की बात करने वाले हैं, इस क्रीम को यूज़ करने के बाद हमारी स्किन पर कैसा इफेक्ट आएगा एंड हमारी स्किन के लिए अच्छा है या बुरा है ये क्रीम। तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग की बात करेंगे। तो डॉक्टर रसेल ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग क्रीम की जो पैकेजिंग है काफ़ी खूबसूरत से की गई है। ये जो क्रीम है बॉक्स में आता है एंड जार कंटेनर है, काफी खूबसूरत सा जार। मुझे इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग काफी पसंद आई है। एंड अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के हम इंग्रेडिएंट्स की, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स ही मेन होते हैं हमारी स्किन के लिए। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है विटामिन सी। विटामिन सी का जो काम होता है हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाना, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाना, हमारी स्किन से दाग धब्बे को कम करना। एंड इसमें हायलुरोनिक एसिड है जो कि हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए इफेक्टिव है। एंड गाइस इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स है जो कि हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए इफेक्टिव है। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के क्लेम की, ये प्रोडक्ट क्या क्लेम करता है। तो ये जो प्रोडक्ट है क्लेम करता है कि हमारी स्किन को ब्राइट करेगा, साथ में स्किन से फाइन लाइन को भी कम करेगा, स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करेगा। तो अब गाइस मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ इस क्रीम को यूज़ करने के बाद मुझे कैसा रिजल्ट मिला। तो गाइस ये जो क्रीम है सिर्फ हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। इस फेस क्रीम का कुछ खास रिजल्ट मुझे देखने को नहीं मिला है। बस ये क्रीम आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, स्मूथ बनाएगा और बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं डॉक्टर रसेल ब्राइटनिंग और एंटी एजिंग क्रीम के यूज़ की, इसे कैसे यूज़ करना है। तो गाइस यूज़ करने का तरीका भी काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद आपको डॉक्टर रसेल ब्राइटनिंग क्रीम को अपने हैंड में लेना है, आपको स्मॉल अमाउंट में ही लेना है एंड अपने फेस पर आपको अप्लाई कर लेना है। चाहे तो मसाज कर सकते हैं, आपकी स्किन काफ़ी स्मूथ नज़र आएगी और गाइस ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है ये फेस क्रीम। अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा फाइन लाइन्स है, झुर्रियाँ है, फिर ये जो फेस क्रीम है उसको कम नहीं करने वाला है। अगर आप अपनी स्किन को स्मूथ बनाना चाहते हैं, स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो आप इस क्रीम को परचेस कर सकते हैं। ये जो क्रीम है स्किन को काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज्ड करता है और स्मूथ बनाता है। तो अब हम बात करते हैं इस क्रीम की प्राइस की। तो गाइस ये जो क्रीम है 50 ग्राम आता है 299 रुपीज़ का। अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेस करेंगे तो आपको डिस्काउंट में मिलेगा। सो गाइस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा और अपनी स्किन के लिए बेस्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए जो कि आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाए, स्मूथ बनाए और आपकी स्किन को इरिटेट ना करे। अगर आपको भी प्रोडक्ट रिव्यूज़ के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आपके लिए ऐसे ही प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।